केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम इस बार बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पल पल की खबर, हर एक प्रत्याशी की जो सोच है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। इसीलिए हमारे सहयोगी विभूति सिंह आज पहुंचे हुए थे परबत्ता पंचायत, जहां की मुखिया प्रत्याशी रीना देवी के प्रतिनिधि राजेंद्र मंडल से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, विभूति सिंह जी ने। क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं विभूति सिंह, केलांचल टाइम्स में। अभी हम पहुंचे हैं परबत्ता पंचायत में और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मुखिया पद के लिए माननीय रीना देवी जी के प्रतिनिधि हैं राजेंद्र मंडल जी, और ये परबत्ता पंचायत है, ये मुखिया के प्रतिनिधि हैं। इनसे हम मिलते हैं और जानते हैं इस बार का चुनावी एजेंडा क्या है। इनका जो सफ़र है, एक वार्ड सदस्य सफ़र शुरू हुई, लंबे समय से राजनीति में हैं और काफ़ी एज भी हो गया है, वरिष्ठ हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं। वार्ड सदस्य इनकी सफ़र शुरू हुई थी और आज एक मुखिया के प्रतिनिधि हैं। इनसे हम मिलते हैं और जानते हैं इसका प्रमुख चुनावी एजेंडा क्या है, इस बार की चुनावी रणनीति इनकी क्या है। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? हम लोग, आप कैसे हैं? अभी ठीक ठाक? आप ठीक ठाक है सर? आप वार्ड सदस्य, आपकी सफर शुरू हुई थी और मुखिया के प्रतिनिधि हैं। निधि है सर। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं कि हमारी जीत हो रही है? हाँ, जीत इसलिए बोल रहे हैं सर कि जनता मेरा खुश है, जो त्याग हम त्याग पत्र जनता को दिखाए हैं, इसलिए मेरा खुश है कि अब की बार किसी भी कीमत पर भारत माता की कसम जीतने जा रहे हैं सर। यानी आप बरस छाप की जीत पर? जी हाँ, बरस छाप की जीत। क्रमांक संख्या 7 पे आपका निशान है, निशान है बरस छाप। बरस छाप आपकी जीत तय हो चुकी है, जनता आपके साथ है। साथ है। और आप इस 85 से सिंगल हैं? जी हाँ, सिंगल जीरा भरी में सिंगल है, 6 बस्ती सर, 6 बस्ती में सिंगल है। और अन्य प्रत्याशी हैं 7 और कैंडिडेट। हाँ, सब परबत्ता का। 7 के बीच में आपका जो चुनौती है, ये प्रचार प्रसार जो आप करते हैं जी, जनता का कैसा मूवमेंट है? मूवमेंट है कि पूंजीपति वाले को जीतना नहीं है, पैसा वाला है उसको नहीं जीतना, उसको नहीं जीतना है। बदलाव का लहर है, बदलाव का लहर है सर। और सब प्रतिनिधि जनता जनार्दन का कहना है कि हम लोग आपके साथ हैं, बदलाव चाहते हैं, इसलिए मेरा दिल। चलिए राजेंद्र मंडल जी, अगर आपका दिल खुश है, आप प्रचार करते हैं, जनता का रिस्पांस मिल रहा है आपको जी, तो आप अगर मुखिया बनते हैं जी, तो सबसे पहले परबत्ता पंचायत के वासियों के लिए क्या क्या कीजिएगा मुखिया बनते ही? बनते ही जितना भी काम छूटा हुआ है सर, उसी को पूरा करेंगे। इसके बाद जहाँ तक होगा, जनता हमको अगर देता है तो जहाँ तक होगा सरकार के तरफ से लड़ करके ही विकास के मुद्दा पर खड़े उतरेंगे। विकास ही विकास, विकास ही विकास, सबका साथ सबका, सबका विकास जी। जनता से क्या अपील करना चाहते? जनता से यही अपील करना चाहते हैं सर कि भारी से भारी बहुमत से राजेंद्र मंडल को जिताइए, इसके बाद आप जनता के साथ साथ। चलिए, वार्ड सदस्य इनकी सफर शुरू हुई थी, आज मुखिया के प्रत्याशी हैं, जनता इनके साथ है। इनका कहना है कि जनता हमारे साथ है, हम सिंगल कैंडिडेट हैं 85 में और सभी गरीब तबके के लोग इनके साथ हैं, इनकी जीत लगभग तय हो चुकी है, ये इनका कहना है। जी हाँ सर, सत्य बात। हाँ सर, इनके साथ कुछ जनता जनार्दन भी हैं, इनसे हम मिलना चाहेंगे। बाबा प्रणाम, की नाम बोले अपना? मेरा नाम है विश्वनाथ मंडल। कौन छाप? छाप बड़ा छाप। मुखिया बने वे? हाँ, मूड बना लक्ष्य एकदम बना लें। किसको वोट दीजिएगा सर मुखिया में? मुखिया में भरत साहब। भरत साहब कौन साहब भैया? भरत साहब। कौन साहब? कौन साहब? भरत साहब। भरत साहब, अभी आप कह रहे हैं मुखिया कैंडिडेट के सामने, समूह का जोर है भरत साहब, मुखिया कैंडिडेट हैं माननीय राजेंद्र मंडल जी, इनके जनता जनार्दन इनके साथ हैं। अगर भैया मान लिया जाए, आप अभी भरत साहब बोल रहे हैं, एक घरों का वो वोट तरह घरों में एक वोटर 5,000 दिले हम दूसरा स्थल नहीं लेबे एक वोट रहा 5,000 तब नहीं लेबे लेकिन वोट राजेंद्र मंडल जीते गए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तमाम लोग जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, समूह का कहना है पैसे का बंटवारा नहीं होगा, पैसे से वोट नहीं खरीदा जा सकता है, मतदान स्वतंत्र होता है और प्रेम से जीता जाता है।
प्रेम का एक प्रतीक है माननीय राजेंद्र मंडल जी, इनके कुछ जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़े थे। इस्माइलपुर प्रखंड और परवत्ता पंचायत की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत